वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड गाइस। आज हम आ चुके हैं ला पिनोस में। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? लॉर्ड पैट्रिक में आए हैं। अरे है तो ला पिनोस का ही। हाँ तो दोस्तों, आपने सही सुना है, ये जो लॉर्ड पैट्रिक है ये है ला पिनोस का। क्या बोलना है? हेलो गाइस, मुझे इतना तो पक्का है कि सबको हमारी वीडियो तो पसंद आ रही, पर ये लोग शेयर नहीं कर रहे। शेयर करोगे तभी तो हमारी बात बनेगी। फैला दो, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यहाँ बर्गर तो है ही है और यहाँ पिज्जा भी है। अनोखी जगह है जहाँ पे आपको बर्गर के साथ साथ पिज्जा भी मिलेगा। हमें अभी इसकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई करना है लॉर्ड पैट्रिक का बर्गर, क्योंकि हमने पिज्जा तो बहुत खा लिया ला पिनोस का। बारी है इधर के बर्गर ट्राई करने की, जो है लॉर्ड पैट्रिक बाय ला पिनोस। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे ला पिनोस की साइन। एक हेजलनट फ्रैपे कर दो और रॉकस्टार बर्गर सिग्नेचर बर्गर उसके मिल करना रेगुलर, और गॉर्मेट बर्गर चीजी बॉम्बर में, और साइड्स में कर दो पिज्जा पॉकेट्स और ओनियन रिंग्स में 6 पीसेस वाला। कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा? 5 to 10 minutes। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं डायरेक्ट आपको बर्गर खाते। 1 hour later। तो गाइस, हमारा आ चुका है ऑर्डर, खा के इसको बताते हैं इसमें कैसा क्या है टेस्ट। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या, नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? यहाँ लिखा तो हुआ है गुड बर्गर एंड गुड कॉफी। देखते हैं इनका कॉफी और बर्गर कैसा होता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम ट्राई करेंगे फ्रेंच फ्राइज, जो ये मील में एड ऑन था। बेसिक सा टेस्ट है, मैगडी जैसा नहीं है। मैगडी जैसा नहीं है? नहीं, मैगडी की तो बात ही अलग है, बट फिलहाल ठीक है। अब जो भी है, या डिप कैसा, डिप कैसा लगा? डिप ये एकदम लापिनो की जो होती है ना डिप, गार्लिक ब्रेड के साथ। लापिनो का टच आ रहा है। हाँ, मुझे भी टेस्ट करना है। लाओ भाई लाओ, मैं भी ट्राई करता हूँ। फ्राइज में तो भाई मैगडी की तो बात ही अलग हो जाती है। अब ट्राई करते हैं दूसरी चीज जिसका नाम है अनियन रिंग्स। क्रिस्पी तो लग रही है, अंदर से तो क्रिस्पी नहीं होगा, बाहर से जरूर है। क्या प्याज पकौड़ा लग रहा है? प्याज पकौड़ा है ना? हाँ, मेरे को भी लग ही रहा था ये प्याज पकौड़ा ही। बेटर है पर फ्रेंच फ्राइज से कुछ अलग है, कहीं पे कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, अच्छा है। चलो हम ट्राई करते हैं अभी अनियन रिंग्स। ओ भाई, तो बताओ फ्रेंच फ्राइज से तो लाख गुना मुझे अच्छी लगी। फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा अच्छे सजेस्ट करूंगा यहाँ का अनियन रिंग्स ट्राई करिए, बहुत अच्छी, बहुत कुछ अलग लगेगा आपको। पकौड़े पे भी जाती है और थोड़ा बहुत ऐसे क्रंची जो है ना उसका बहुत सही है। अब ट्राई करते हैं पॉकेट वेज पफ, देखते हैं इसमें। इन लोगों ने थोड़ी कॉपी ऐसे मैकडी जैसी तो करी है लाइक साइड्स के अंदर, बट मुझे अनोखा तो यही लगा है, बाकी तो चलो ठीक है। अभी यहाँ का पफ खा के देखते हैं कैसे है। पहले अंदर से फीलिंग क्या, गरम है? गरम है, पूरा मैकडी जैसा ही है। अब टेस्ट बता, टेस्ट कैसा है? अच्छा है। नहीं, वो उसकी तरह ही मैगी जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई, लाओ पूरी कॉपी, हम भी ट्राई करते हैं ये कैसा है। लड़का है ये, कहाँ से अनुराधा हो सकता है वो? क्या आदमी है?
अरे पागल हो गए हो क्या? मेरे को मैगी से उल्टा ज्यादा अच्छा लगता है। शायद हो भी सकता है कि कुछ अलग टेस्ट मिला इसके लिए ये ज्यादा बेटर लग रहा है, बट मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही ज्यादा बेटर लग रहा है। मैगी अपनी जगह है, ये अपनी जगह है इस पफ के मामले में। बाकी अब बारी है कॉफी की। कॉफी कैसी है यहाँ की कॉफी? ये हमारी कौन सी कॉफी होती है? हेजलनट। हेजलनट फ्रैपे। हेजलनट फ्रैपे बहुत अच्छी है कॉफी भी, थोड़ी स्वीट है पर अच्छी है। ओवर स्वीट है कि थोड़ी स्वीट है? थोड़ी स्वीट है, ओवर स्वीट नहीं है। ट्राई करने की बारी है हमारी। बेटर है, बहुत बेटर है। थोड़ा स्वीट है पर ज्यादा नहीं है, बट हाँ थिकनेस भी कम है। थिकनेस कम है बट बहुत बहुत सही कॉफी है। अनएक्सपेक्टेड, मेरे ने तो सोचा नहीं था इतनी अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से इस गुड कॉफी में से कॉफी को तो हम गुड बोल ही सकते हैं, क्या कहना है तेरा? हाँ। तो भी एक कॉफी तो बेटर है। अब बारी है बर्गर की, बर्गर का टेस्ट आपको करके बताते हैं। अब बारी है इनकी सिग्नेचर रॉकस्टार बर्गर। सिग्नेचर रॉकस्टार बर्गर, ये देखते हैं बनता है रॉकस्टार या नहीं। चलिए पहले तो आपको इसके अंदर क्या तो बड़ा टेम्पटिंग है भाई, क्या ये है बर्गर? थोड़ी सी मेयोनीज लगाई है। इतना सा मेयोनीज? बस एक टिक्की है। ओके, कंजूसाई लेवल 1। टोमेटोस हैं, थोड़े से ओनियन हैं और लेटस, आइज लेटस। चलिए ट्राई। कैसा है? अच्छा है। एवरेज कैसा? अच्छा है। इसके अंदर पैटी कैसी लगी? आलू की नॉर्मल पैटी है, उसके अंदर थोड़े से कॉर्न, देखो दिखाऊं मैं आपको, कॉर्न डले हुए हैं, पीस डले हुए हैं। तो अपना महाराजा के साथ जो टिक्की आती है वही है ना? यस। टेस्ट बेस्ट बर्गर, बर्गर इज द बेस्ट। इसको मैं देना चाहूंगी 5 में से 3.5 मार्क्स। लवली ला। मेरे भी तो अभी ब्रेड ही आई है। ब्रेड तो अच्छी है। अपग्रेडेड आलू टिक्की। हाँ। क्योंकि आलू टिक्की से, आलू टिक्की के अंदर इतना सब तो नहीं होता है, इसको तो मैं अपग्रेडेड आलू टिक्की का नाम दूंगा। रॉकस्टार तो नहीं बोलूंगा बट अपग्रेडेड आलू टिक्की इसका नाम मैं रखना चाहूँगा, जो कि बहुत अच्छा है। मीन्स जो आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल बर्गर में तो आपको यही ट्राई करना चाहिए, जो बहुत मुझे अच्छा लगा लाइक नॉर्मल में। इसलिए दूसरा ये जो बर्गर है, ये यहाँ का गवर्नमेंट बर्गर है, ये भी ट्राई करके आपको बताते हैं। है बॉम्बर की, ये है हमारा चीज बॉम्बर, चीजी बॉम्बर है ना? अब ट्राई करते हैं इससे पहले। ओ भाई इसका साइज तो देखो जरा, चेक करो, दो दो पैटियां रखी है इसके अंदर। क्या लगता है चीज वाली पैटी होगी या सिर्फ चीज है इसके अंदर, क्या कहना है तेरा? चीज वाली होगी शायद, मुझे ऊपर वाली एक चीज पैटी लग रही है। और ठीक है खा के देखते हैं। कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया यार, शक्ल ऐसी बनाई थी ऐसे। तो दो 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 चीज की पैटियां रखी, एक नहीं दो। वाओ, मैकडी का चीज लावा इसके आगे टिका या नहीं? मैकडी इधर तो, और ये वहां आ गया जो हम ट्राई करते थे ना चीज वाला बर्गर, उसका नाम क्या था? चीज लावा। हाँ चीज लावा, उससे तो बहुत ही बेटर है। इसके अंदर है ना लेटस है, टमाटो, वही बेसिक सब डाला हुआ है, बहुत बढ़िया। ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। पता है मैं पहले ही बता दूँ तुझे भी बहुत पसंद आएगा, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? नहीं बोल पा रही ना चीज़ बोले? इससे फुल चीज़ है। पता है जब तू मुझसे पूछे थे ना कैसा, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, इतना चीज़ भरा हुआ है इसको। बेस्ट है, पैसा वसूल चीज है, साबित कर दिया इन लोगों ने गुड बर्गर। हाँ ये चीज तो इन लोगों ने साबित कर दी, गुड बर्गर और गुड कॉफी। अब हम इसको फिनिश करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
और इनको बता तो दे पहले खा ले चलो। पहले बता देते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और जितना हो सके उतना फैला दो। क्या बोलो? बाय। पटाखे फटे, धूमधाम, पटाखे क्या हुआ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।